जब समाज खंडित या विभाजित होता है तो समाज की समस्याएं अवरुद्ध हो जाती है। विपक्ष के नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि समाज के न्याय के अधिकार के लिए हमेशा तैयार रहना समय की मांग है और हमें समाज की प्रगति के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वह सिंधीवाई तालुका के सिंधी में आयोजित आदिवासी समुदाय की बैठक और सम्मान समारोह में उद्घाटन भाषण के रूप में बोल रहे थे। गढ़चिरौली चिबूर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसन, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सतीश बारचुरकर, कांग्रेस जिला सचिव प्रमोद पोरीकर, प्रोफेसर परशुराम उइके, अशोक मसराम, जनार्दन पंडारी, कृष्णाजी मसराम, कांग्रेस तालुका अध्यक्ष रमाकांत लोधी, पूर्व जिला परिषद सदस्य कोजराज मरसकुल्ले, यशवंत ताडम, अशोक मेश्राम, प्रीतेश यरबी, अतुल कोड़ापे, स्वप्निल काले, गणेश इरपाची, वर्षा आत्राम, वामन सिदाम, सुधाकर कोल्ले, दैना किडाम, पूर्णिमा चौकी, गीता सलामी, पुष्पा सिदाम समेत कई गणमान्य लोग मंच पर उपस्थित थे। विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय को आरक्षण देकर विकास की धारा में लाने का काम किया है। आदिवासी भाई इस जमीन के मूल मालिक है और सत्ता में बैठी महागठबंधन सरकार उनके अधिकार पर कब्जा करने का पाप करी है, जबकि देश को उन शासकों द्वारा लूटा जा रहा है जो बहुजनों को गुलाम बनाना चाहते हैं। पूरा देश कर्ज में डूबा हुआ है। अब चुनाव को देखते हुए आश्वासन के दान के माध्यम से प्रिय बहनों की तरफ फूल योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने उन गुमराह करने वालों से भी अपील की कि जो एक तरफ महंगाई बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी बहन को उपहार के तौर पर खाते में पैसे डाले। उन्होंने ये भी वादा किया कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और आदिवासी समुदाय के न्याय अधिकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले उपस्थित महानुभाव का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के सम्मानित सांसद डॉक्टर नामदेव किरसन ने बोलते हुए ये भी कहा कि देश की सरकार आदिवासियों के आरक्षण के लिए खड़ी हुई है। सरकार को जहां भी संभव हो अन्य समुदाय को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आदिवासी समुदाय के आरक्षण पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस समय उन्होंने चुनौती दी कि समाज के लोगों को बेपरवाह होकर ऐसी प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सतीश वारचुरकर ने कहा कि जब राज्य भारी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, झूठे वादे, खोखली योजनाएं, सरकार की धोखाधड़ी है। कार्यक्रम के स्वागत के अवसर पर समाज की युवतियों ने गोंडी भाषा में गीत गाकर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायत सदस्य पंकज उइके ने किया, जबकि कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन प्रोफेसर परशुराम उइके ने दर्शकों के समक्ष समझने की पीड़ा एवं लंबित प्रश्नों को प्रस्तुत किया। आयोजित कार्यक्रम में सिंधीवाही तालुका और इलाकों से हजारों आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।